भगवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। भगवान नाम सर्वोपरि तीर्थ। ती साधकों, भक्त प्रहलाद कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वच्यते प्रत्यहम् नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्भवम्। कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा, उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। पद्म पुराण में आया है, यावन्ति भवे तीर्थान जम्बूद्वीपे तु सर्वदा तानि तीर्थानि तत्रैव विष्णोर्नाम सहस्त्रकम् तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र स्थितं नाम सहस्त्रकम् तत्। जहाँ विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वहीं पृथ्वी पर जम्बूद्वीप के जितने तीर्थ हैं वे सब सदा निवास करते हैं। जहाँ भगवान का सहस्त्र नाम विराजित है, वहीं गंगा यमुना कृष्णवेणी गोदावरी सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। स्कंद पुराण में आया है, तत्रपुत्र गया काशी पुष्करम कुरुजांगलम प्रत्यहम मंदिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहीं गया काशी पुष्कर तथा कुरुजांगल तीर्थ रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, सकृन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान कल्पशतत्रयम् गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम्। जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही आता है, सर्वेषामेव यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपस्य अनुशनानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवेशतम् कृष्णनाम जपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अर्थात समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, संपूर्ण तीर्थों का स्नान, सब प्रकार के तप, अनशन आदि व्रत, सहस्त्रों वेद पाठ, पृथ्वी की सौ परिक्रमाएं, ये सब श्री कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पद्म पुराण में आता है, राम रामेति 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 च पुनर्जपन सचंडालो अपे पूतात्मा जायते नात्र संशयः कुरुक्षेत्रम तथा काशी गया वै द्वारका तथा सर्वं तीर्थं कृतं तेन नामोच्चारण मात्रतः। राम 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 राम, इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। पद्म पुराण उत्तरखंड में ही आया है, किमु वै तीर्थे ते तात पृथिव्याम टने कृते यस्य वै नाम महिमा श्रुत्वा मोक्षम वाप्नुयात् तन्मुखम तु महत्तीर्थम तन्मुखम क्षेत्रमेव च यन्मुखे राम रामेति तन्मुखम सार्वकामिकम्।
देवऋषि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है, वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पद्म पुराण उत्तरखंड 71:17 में आता है, तन्मुखम परम तीर्थम यात्रावर्तम वितन्वती, नमो नारायणाये ते भाति प्राची सरस्वती। जहाँ नमो नारायणाय रूप से आवर्त का विस्तार करती हुई इन शब्दों को दोहराती हुई प्राची सरस्वती वाणी रूप नदी बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ है। श्रीमद्भागवत 3:33:7 में कहा गया है, अहो बत स्वपचो तो गरीयन यज्ज्वाग्रे वर्तते नाम तुव्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गिणन्तेति। देवहूति जी कहती हैं, अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम विराज रहा है। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। नारद महापुराण उत्तरखंड 7:4 में कहा गया है, कुरुक्षेत्रेण किम तस्य किम काश्या विरजेनुवा जिह्वाग्रे वर्तते अस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा के अग्र भाग पर हरे ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवान नाम का महात्म्य सर्वत्र गाया गया है। नाम की महिमा अतुलनीय है, विशेषतया कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान नाम ही एकमात्र परम साध्य और परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका। यहाँ हम कुछ नाम महिमा के महान वाक्यों का अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। यदि इनसे श्रोताओं का ध्यान नाम जप कीर्तन की ओर आकर्षित हुआ और वे भगवान नाम जप कीर्तन में लग गए तो उनका और जगत का महान कल्याण होगा। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्णाश्रम का कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज स्त्री सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं। सभी भगवान का नाम कीर्तन करके पापों से मुक्त होकर सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब सच्चे हृदय से श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए मधुर वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।